हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील कुमार, आपका होस्ट, और मेरे साथ में हैं अरुण सैनी। अरुण सैनी जी का यूट्यूब पर चैनल है मूड ओरा, और ये वहाँ क्या एक्टिविटी करते हैं उन्हीं के थ्रू मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा, और जितना भी पॉइंट्स हैं उनके स्ट्रगल कहें या एफर्ट्स कहें वो सब साथ में आपके। तो अभी मैं आपको मिलवा देता हूँ अरुण सैनी जी के साथ में। अरुण, आप पहले अपने बारे में बताओ, आप अभी क्या कर रहे हैं और क्या किस तरीके से आपके एफर्ट है? सर, मैं अभी बीटेक परस्यू कर रहा हूँ सीएससी स्ट्रीम में, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है मूड ओरा नाम का, और इस पे मैं म्यूज़िक वीडियोस डालता हूँ रिलेटेड टू पंजाबी सॉन्ग्स एज वेल एज वेस्टर्न सॉन्ग्स एंड आई लाइक फोक सॉन्ग्स। तो आप अरुण, ये बताओ कि आप फोक सॉन्ग को ज़्यादा बिलीव करते हैं, जबकि आजकल अभी जो ट्रेंड है और जो यंग जनरेशन के अंदर ट्रेंड है वो तो कुछ डिफरेंट ही है। जी सर जी, फोक तो बड़ा ट्रेडिशनल है, मतलब बिल्कुल सही सर। सर, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं ना, इनसे हम अपनी आवाज़ बना सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न सॉन्ग से हम कमा सकते हैं, ये फ़र्क है सर दोनों में। तो फोक सॉन्ग कहीं ना कहीं आप हम ऐसा सोचते हैं कि अपनी कल्चर के साथ में जुड़ा हुआ है। जी सर बिल्कुल, और तो एक तरीके से हम अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जी सर, और जो आवाज़ निकलती है वो दिल से आवाज़ निकलती है। सर, दिल से निकलती है आवाज़। तो अभी तक आप जो बोल रहे थे कि आप फोक सॉन्ग को फॉलो करते हैं, जी सर, आप फोक सॉन्ग में ज़्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू दी जो वेस्टर्न म्यूजिक है, तो फोक सॉन्ग में आप कौन सिंगर हैं जिनको आप ज़्यादा फॉलो करते हैं? सर, खान साहब, गुरनाम पुल्लर एंड गुलाम अली की गज़ल्स एंड सलीम अज़हर। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आपका रियाज भी चलता होगा, प्रैक्टिस भी चलती होगी, तो ये शौक आप अभी टेक्निकल एजुकेशन में हैं, कंप्यूटर साइंस में आप अभी परस्यू कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट म्यूजिक में कैसे आया? सर, म्यूज़िक में इंटरेस्ट तो सर प्लस वन प्लस टू से ही आया है। इसमें काफ़ी मतलब रुचि थी, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट ऑप्शनल म्यूज़िक ले रखा था। गुड। तो मुझे सितार बजाना आता है। ओके। थोड़ा बहुत हारमोनियम भी कर लेता हूँ। ज़्यादा इंटरेस्ट वैसे मेरे भाई का है, क्योंकि वो सिंगर बनना चाहता है। उसी के लिए मैंने प्लेटफॉर्म दिया है उसे। चैनल मेरा ऑपरेट मैं करता हूँ, लेकिन वीडियोज उसकी ज़्यादातर होती है। मैं चाहता हूँ कि वो ग्रो करे। अच्छा अच्छा तो ये मतलब आप जॉइंटली, आपका जो ये एफर्ट्स हैं वो जॉइंट एफर्ट्स हैं, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड में कहीं इस तरीके का रहा है कि भाई कोई म्यूजिक का या इस तरीके से किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का या सिंगिंग का या कोई ऐसी कल्चर? जी सर, मेरे चाचा जी सर जागरण करते हैं, और मेरे जो पापा, सबसे पहले वो लिरिसिस्ट थे। ओके। जी सर, वो लिरिक्स लिखते थे। तो आपके इसका मतलब हमें बोलना चाहिए कि जो म्यूजिक है वो आपके ब्लड के अंदर है। जी सर, कह सकते हैं। हाँ, ओके। तो अभी आपके एफर्ट्स जो है ना वो यूट्यूब के थ्रू मतलब अपने टैलेंट को, अपने एफर्ट्स को रखना है। जी सर, राइट। तो अरुण, अभी आप कोई एक दो बोल गुलाम अली जी के या खान साहब का, जो कोई म्यूजिक आपको सॉन्ग अच्छा लगता हो। जी सर। रात तेरे तक तक थक गया मैनू, गल्लां कर देने सारे जागदी रहनियां रातां नू, ते मजाक उड़ों देने तार, छड़ गया सजना तू कल्या मैनू, दस दे किस दे सहारे, धीद तेरी नू तरसन अखियां, मिलन दे कर कोई चारे, दिन रात कली होई तेरे पिछे चली होई, कदरां तक सच्चे प्यार दियां, हर वेले रोंदी यारा तैनू फिरा ढूंढी, मैं ते सोचदी रवां गल्लां यार दियां। थैंक यू सर। गुड। ये किनका था? जी सर, ये खान साहब। ये खान साहब का था। अच्छा, खान साहब के बारे में कुछ बोल रहे थे आपकी, अभी जो है फोक सॉन्ग्स के अंदर उनका बड़ा एक रेपुटेशन मिली है इंडिया के अंदर। जी सर।
तो खान साहब के बारे में कुछ आप बोल सकते हैं? सर खान साहब सर जलंधर साइड के सिंगर हैं सर, ये काफ़ी मतलब शोज़ कर चुके हैं और वेस्टर्न शोज़ भी शायद मिलने लग जाएंगे उन्हें। अच्छा अरुण, एक चीज़ बताओ कि आपका, जैसे अभी हम लोगों ने बोला था कि आपका कंप्यूटर साइंस को आप बिलोंग करते हैं, अभी बीटेक कर रहे हैं, जी जी जी, तो और म्यूजिक है, इन दो को आप एजुकेशन को, एकेडमिक्स को और जो म्यूजिक है इसको आप कैसे देखते हो, कैसे बैलेंस बना पाते हो? सर हो सकता है सर, पॉसिबल है, क्योंकि सर जो एजुकेशन है उसे एक, जो मैं एकेडमी में सीख रहा हूँ वो एक रिवाइज टाइम चाहिए उसे, जस्ट रिवाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ टीचर्स अच्छे हैं, मैं सिर्फ रिवाइज टाइम देता हूँ उसे और बाकी जो टाइम बचता है उसमें सर। तो मेरी जब आपके साथ में बात हो रही थी तो आपने कहा कि आपका अभी मोर देन 8 CGPA चल रहा है, जी सर, तो इसका मतलब कहीं ये भी आता है कि म्यूजिक आपको कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है, जो जिस तरीके से आप, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर आप इन्वॉल्व हैं लाइक म्यूजिक या स्पोर्ट्स, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है। जी सर, सर म्यूजिक में ना एक्चुअली आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो उसमें पैटर्न्स होते हैं सर, सर एक लूप होते हैं उनमें। अच्छा सर वो चीज़ कंसंट्रेशन देती है सर। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज यंग जनरेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट से किसी भी एक अपने इंटरेस्ट पे फोकस करती है तो दूसरे जो चीज़ें हैं उसके लिए वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। जी सर, लाइक आपका एकेडमिक उसको जो है ना सफ़र नहीं करता है। जी सर, राइट। सो इन्हीं बेस्ट विशेज के साथ में अरुण सैनिक, और इनका जो चैनल है मैं आपको फिर दोबारा बता दूँ, मूड ओरा है, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको रख दूँगा, लिंक रख दूँगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इनको सपोर्ट करिए, इनको मोटिवेट करिए, और इनके ब्रदर के साथ में, और यूट्यूब को जो इनका चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर आप चैनल को विजिट करें, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर अरुण बीइंग विद मी एंड फॉर दिस नाइस इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू अरुण।